तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 3-in-1 सोल्डिंग आयरन स्टैंड बनाने वाले हैं, जिसको आप भी आसानी से घर पर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अम्ब्रेला का स्टिक लिया है तार के रूप में और एक लकड़ी का प्लेट लिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक तार लिया है और लकड़ी का इस तरह का एक प्लेट लिया है। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह का लकड़ी का प्लेट ले लेना है। लंबाई चौड़ाई में थोड़ा आप डिफरेंस रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कम से कम यहाँ पर 5 से 6 इंच, 4 से 5 इंच आपको लेना है और आपको एक तार लेना है इस तरह से, और जिसकी लंबाई लगभग यहाँ पर 2 फीट होना ही होना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर छत्ते का तार लिया हूँ, यानी कि अम्ब्रेला का स्टिक। और दोस्तों आपको करना क्या है, इसको एक राउंड लपेटना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक पाइप ले लेना है। मैंने यहाँ पर कूलर का एक सॉफ्ट लिया हूँ, तो आप किसी भी तरह का पाइप ले सकते हैं, लकड़ी का या टीन का। तो आपको ये जो तार है जिसकी लंबाई लगभग 2 से 3 फीट की है, तो आपको इसको राउंड लपेटना है इस सॉफ्ट में। ठीक है, यानी कि इस पाइप में। तो चलिए यहाँ पर इसको लपेटते हैं। यहाँ पर हम लगभग 2 इंच बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से हम पकड़ेंगे, हमको सपोर्ट मिलेगा। ठीक, तो इसको हम यहाँ पर राउंड लपेटते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको राउंड लपेटते हुए चले जाना है, यानी कि जितना लंबा तार है उसको पूरा को आपको लपेट देना है। तो इस तरह से आप लपेट सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी तरह का तार यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो GI तार और या कोई भी तार यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अम्ब्रेला का स्टिक लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको राउंड लपेटना है। ठीक है, लपेटने के बाद आपको इसको सीधा करना पड़ता है, आपको इसको सेट करना पड़ता है। ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, इसको आपको जहाँ पर ज़्यादा मुड़ा हो उसको आप ढीला कर सकते हैं और जहाँ पर कम है उसको खोल कर शेप मिला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको यहाँ पर सेट करना होता है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा तार है उसको हम तोड़ेंगे, लेकिन हम इसको बाद में तोड़ेंगे। इसको यहाँ पर पहले इस साइड को हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसको स्टैंड यहाँ पर फिट करेंगे स्क्रू लगाकर। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर मोड़ देना है, जैसे कि आप देख पाए, जिसको हम यहाँ पर स्क्रू के थ्रू इस लकड़ी का जो प्लेट है इसमें हम फिक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों नीचे वाले को हमने मोड़ दिया है, और इसके बाद जो ऊपर में जो एक्स्ट्रा तार है उसको हम कट करेंगे। यहाँ हम फाइल की मदद से थोड़ा कट का निशान लगाएंगे और तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये जो स्प्रिंग है उसको अच्छे से सेट कर दिया। आप अच्छे से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा उसको। अब इसके बाद बारी आता है इसको फिट करने का। तो यहाँ पर जो लकड़ी का प्लेट हमने लिया है, यहाँ पर आपको एक होल करना है, यानी कि स्क्रू लगाना है। तो मैंने पहले से इसमें होल कर दिया है, क्योंकि ये लकड़ी हार्ड है तो स्क्रू आसानी से तुरंत नहीं आएगा, तो मैंने पहले से इसमें स्क्रू के लिए जगह बना दिया है। तो यहाँ पर आपको एक वाइसर लगा लेना है आप चाहें तो। तो यहाँ पर जो इसको हमने होल बनाया है इस स्प्रिंग में, उसको फंसाते हुए यहाँ से हम इसको टाइट कर देते हैं। तो चलिए इसको टाइट कर देते हैं दोस्तों। इस तरह से हमने टाइट कर लिया। अब हमारा जो सोल्डिंग आयरन का स्टैंड है वो बनकर तैयार हो चुका है। आपको इस स्टैंड को थोड़ा टेढ़ा रखना है, आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से टेढ़ा रखना। चलो मैं आपको इसको टेढ़ा करके दिखाता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको इतना डिग्री में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको 3-in-1 बनाने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से आप आयरन को रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको 3-in-1 बनाने वाले हैं, तो हम दो चीज़ और ऐड करेंगे। यहाँ पर हम सोल्डिंग पेस्ट के लिए एक यहाँ पर जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल का जो कैप आता है उसको आपको ले लेना है। ठीक है, और अगर आपके पास इस तरह का कैप नहीं है तो आप किसी भी जो सिरप होता है उसका कैप एल्युमिनियम वाला ले सकते हैं। यहाँ पर हम छोटा सा स्क्रू लेंगे और इसको कहीं किनारे में हम सेट करेंगे। तो हम यहाँ पर आगे की तरफ सेट करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम ये जो स्क्रू छोटा सा लगाया है उसको यहाँ पर टाइट कर देते हैं, ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सोल्डिंग रंगा होता है उसके लिए हम यहाँ पर एक खांचा बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको रखेंगे। तो इसके लिए आपको पाइप की आवश्यकता होगा आपको। तो हमने यहाँ पर जो ख़राब पुराना वाला जो फेवी स्टिक था उसका जो कैप था उसको कट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसमें एक स्क्रू लगा दिया है। अब इसको यहाँ पर से मैं टाइट करूँगा तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से ये भी फिक्स हो चुका है। तो अब इसके बाद दोस्तों इसमें हम हमारा जो ये रंगा है उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो 3-in जो सोल्डिंग आयरन स्टैंड है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पेस्ट रख देते हैं। दोस्तों हम थोड़ा सा रखेंगे, आप चाहे तो इसमें पूरा भर सकते हैं। तो ये जब ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें दोबारा ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से आप घर पर ही दोस्तों 3-in-1 सोल्डिंग आयरन स्टैंड बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।